आप सभी को ग्रीन टीवी परिवार की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कल्याणकारी देश की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आखिर क्या प्रयास किए गए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया है। ज्यादा दूर की बात छोड़िए, अगर अभी साल 2020 में कोरोना संकट की ही बात करें तो लाखों प्रवासी मजदूर जब अपने गाँव पहुँचे तो इस दौरान मनरेगा में ही उन्हें रोजगार मिला। मनरेगा की वजह से ही लाखों मजदूर 2 जून की रोटी जुटा पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ प्राची तिवारी। आज तक हम आपके लिए लेकर आए खेती किसानी ग्रामीण उद्योग से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ, लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी दें। वैसे तो आजकल हर कोई अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो ये इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड है, तो क्यों ना बात मनरेगा की जाए, जो मेरे ख्याल से देश की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा दुनिया में अपनी किस्म का एक अनोखा ही कार्यक्रम है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 25 अगस्त 2005 को ये कानून का रूप ले सका। उस समय इसे नरेगा नाम दिया गया था। जी हाँ, मनरेगा से पहले ये था नरेगा। तो नरेगा की कहानी शुरू होती है 1991 से, जब ये तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव द्वारा प्रपोज किया गया था। अगस्त 2005 से इसे संसद में पारित किया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से। फिर 7 सितंबर 2005 को गैजेट ऑफ इंडिया से नोटिफाई के बाद फरवरी 2006 को इसे 200 जिलों में लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू हुआ। शुरू में ये 200 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2007 से 113 जिलों में ये और शुरू हुआ, जिसके बाद 15 मई 2007 को और 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर इसे मनरेगा कर दिया गया। तो इसके तहत गांव के गरीबों को साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब ये कि इसके तहत योग्य व्यक्ति अगर रोजगार की अर्जी देता है तो उसे या तो 15 दिन के अंदर काम दिया जाएगा या नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। शुरू में इससे मजदूरी दर औसतन 60 रुपए इसमें रखी गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव होता रहा। अभी जो मिनिमम वेज है वो 202 रुपए है, बाकी हर राज्य में इसमें अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। तो मनरेगा से जुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है जॉब कार्ड। मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी को दिया जाने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। इस कार्ड में लाभार्थी का विवरण जैसे कि नाम, पति का नाम या पिता का नाम, पते के साथ जॉब कार्ड नंबर होता है। अब सवाल ये है कि मनरेगा में जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो ग्रामीण भारत में रहता है मनरेगा योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप ग्राम पंचायत से इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं।
फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। अगर फिर भी कोई आपसे शुल्क मांगता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत ग्राम पंचायत के पीओ जो होते हैं वहाँ या फिर डीपीसी को इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म तैयार होने के बाद इसे आप ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। इसके बाद आपको 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जॉब कार्ड मिल जाने के बाद आपको 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिल जाएगी। अब मनरेगा के तहत अपने ग्राम पंचायत में भी आप काम कर सकते हैं। आपके काम का विवरण आपके जॉब कार्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद मजदूरी का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर मनरेगा के अंतर्गत काम करना क्या होता है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, इसके अलावा भूमि विकास, आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी जैसे कई छोटे बड़े काम करवाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण या कोई भी ऐसा काम करवाया जाता है जो मनरेगा के अंतर्गत आता है, जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है। मनरेगा योजना के कई लाभ हैं, जिसका फायदा ग्रामीण कई सालों से उठा रहे हैं। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ मनरेगा योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में शामिल करना है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, पलायन और कर्ज के मुद्दों को सशक्त तरीके से संबोधित किया है। आप खुद देखिए कि कैसे मनरेगा मजदूरी ने ग्रामीण गरीबों की आय के पूरक के रूप में मदद की है, कैसे गरीब किसानों ने मनरेगा मजदूरी से हुई आय को अपनी भूमि पर खेती की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया है और कैसे विकास कार्यों ने मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्तर में सुधार करने में मदद की है। पारंपरिक रूप से मजदूर काम के लिए किसानों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब हालात ठीक उल्टे हैं। कभी कभी तो मजदूर मिलते ही नहीं। इसके अलावा ग्रामीण मजदूरी भी अब नाटकीय रूप से बढ़ी है। मनरेगा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें विकलांगता से प्रभावित लोगों को भी कोई ना कोई काम देने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा भारत में विकलांगता से प्रभावित सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला कार्यक्रम भी है। इस योजना में पिछले 4 सालों में हर साल औसतन 4.67 लाख विकलांग लोगों को भी रोजगार मिला है। महिलाओं के जीवन को भी यही कार्यक्रम व्यवस्थागत हक उपलब्ध करवाता है। यही नहीं, मनरेगा में महिलाओं को लगभग 56% अवसर मिलता है। वहीं अगर इस योजना के नकारात्मक पहलू की बात करें तो हालांकि अन्य रोजगार गारंटी योजना की तुलना में ये साफ सुथरी ही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतने सालों बाद भी मजदूरी चाहने वालों के जीवन स्तर में विकास की जो दर है वो बहुत धीमी है। वो अब भी काम के लिए सरकार पर ही निर्भर है। जहां मनरेगा को लागू करने वालों का ध्यान दूसरे मुद्दों पर होना चाहिए था, वहीं ये अभी भी उन बुनियादी कार्यों पर है जो शुरुआती दिनों में किए गए थे। मनरेगा के कुछ प्रावधानों में भी और बहुत सारी इनके क्रियान्वयन में भी विसंगतियां हैं। मनरेगा केवल 100 दिन का रोजगार देने के प्रावधान के कारण पूरा विश्वास स्थापित नहीं कर पाया। दूसरी बड़ी विसंगति मनरेगा की मजदूरी भारत की न्यूनतम मजदूरी की दर से साल 2019-20 तक लगभग 18-20% कम रही। तीसरी बात, मजदूरों को 6-12 महीने की देरी से मजदूरी का भुगतान होना है। भ्रष्टाचार, सोशल ऑडिट ना होना, मशीनों से काम कराया जाना भी इसके कारण रहे हैं। यही नहीं, मनरेगा में मजदूरों को तय मजदूरी से भी कम का भुगतान होता है। साल 2020-21 की केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में मजदूरों को 188 रुपए के हिसाब से ही भुगतान हुआ है, जबकि वहां मनरेगा में मजदूरी की दर 224 रुपए प्रतिदिन है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां 220 की जगह पर औसतन 167 रुपए, मध्य प्रदेश में 190 रुपए की जगह पर 180, पश्चिम बंगाल में 204 की जगह 193, छत्तीसगढ़ में 190 प्रतिदिन की जगह पर 174 रुपए की मजदूरी का भुगतान हुआ है।
मजदूरी के कम मूल्यांकन के कारण भी लाखों मजदूरों ने इससे किनारा किया है। इसी वजह से ज्यादातर ग्रामीण अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मनरेगा के मजदूर 8 घंटे शारीरिक श्रम करते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें 200 रुपए मिलता है। किसी किसी राज्य में तो इससे भी कम पैसा मिलता है। मनरेगा योजना पर हालांकि कई बार उंगली उठाई जाती रही है, इस योजना को लेकर सियासत भी खूब गरमाती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर होते हैं, कागजों पर योजना चलने के तथ्य भी परोसे जाते हैं। खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि मनरेगा के तहत गबन और लीकेज को लेकर इस कार्यक्रम को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्यों और जिला स्तर पर इनमें घोर अनियमितता हुई है, इसलिए लोग मनरेगा में काम नहीं करना चाहते। इसके कारण कई बार दोहराए जा चुके हैं। पहला कारण, भ्रष्टाचार और मजदूरी मिलने में देरी। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको हर जगह ये किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि कैसे लोगों ने काम तो किया लेकिन उन्हें अपनी मजदूरी या तो नहीं मिली या फिर बहुत देर से मिली, और मिली भी तो पूरे पैसे ही नहीं मिले। इसका दूसरा कारण फर्जी पंजीकरण है। इसके मामले इतने बढ़ चुके हैं कि अब ग्रामीण विकास मंत्रालय गाँव में कैंप लगाकर दस्तावेजों के जरिए इसकी पुष्टि करता फिर रहा है कि जिनका नाम दस्तावेजों में है उनमें से कितने फर्जी हैं। आप सोचिए, एक तो साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से मिलता सिर्फ 100 दिन का ही रोजगार है। अब अगर उसमें भी घपलेबाजी हो तो मजदूर आखिर जाएं तो जाएं कहां। लेकिन कार्यक्रम की क्षमता के अनुसार इसका पूरा विस्तार होना अब भी बाकी है। कहने के मायने ये है कि दूसरे शहरों से पलायन कर अपने गाँव आए मजदूर अब वापस नहीं जाना चाहते। कुल मिलाकर पलायन कर लौटे मजदूरों के लिए ये योजना जीने का आधार बनकर उठती है, और अगर इस योजना में थोड़ा सा और सुधार किया जाए तो मजदूरों का पलायन रुक जाएगा और वो अपने गांव में ही रोजगार तलाश कर पाएंगे। वैसे बिहार या उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य का कोई ग्रामीण किन हालातों में मुंबई या बेंगलोर या दिल्ली पलायन करता होगा? क्या वास्तव में वहाँ ज्यादा मजदूरी मिलती है? ऐसा तो नहीं है। बेंगलोर में भी औसतन 350 से 400 रुपए की मजदूरी ही मिलती है, जो हालांकि मजदूरों के राज्य में मिलने वाले पैसे से ज्यादा है, लेकिन जब रहने के खर्चों के आधार पर हम गणित लगाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में उन्हें 15-20% मजदूरी ही बस ज्यादा मिलती है। तब सवाल ये है कि मजदूर पलायन क्यों करता है? शोषण, लगातार रोजगार नहीं मिलने और नए विकास की चमक को अपनी आंखों में उतार लेने की अपेक्षा की वजह से। सच तो ये भी है कि सरकारों ने मनरेगा के लिए बजट जरूर आवंटित किया है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया। मनरेगा कभी भी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के करीब पहुंच ही नहीं पाया है। साल 2016-17 से साल 2019-20 के केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के अध्ययन से पता चलता है कि इस अवधि में औसतन 7.81 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड धारी परिवारों में से केवल 40.7 लाख परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिला है। वहीं 4 साल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मनरेगा में हर साल औसतन 184.1 लाख काम या तो नए शुरू होते हैं या फिर पहले से चले आ रहे होते हैं। हर साल औसतन 39% काम ही पूरे हो रहे हैं, बाकी अगले साल की कार्य योजनाओं में जुड़ जाते हैं। सबसे खराब स्थिति तो बिहार की है, वहां औसतन 12 लाख काम खोले गए जिनमें से औसतन 2 लाख ही पूरे किए गए। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 40% से ज्यादा काम पूरे हुए, लेकिन इन्हें भी आप पूरा नहीं कह सकते। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के व्यापक असर के बाद भारत के श्रमिक वर्ग का जो थोड़ा बहुत स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता थी वो भी खत्म हो गई है। करोड़ों की संख्या में अपने घरों से दूर काम करने वाले मजदूरों ने अनुभव किया है कि उनके प्रवासी होने के नाते उनके काम, रहने, खाने और आवास की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 2020 में 3 हफ्ते के पहले वाले लॉकडाउन की घोषणा को सुनते ही बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिवार रोजगार की जगह से अपने गांव की ओर चल पड़े हैं। लेकिन इस वक्त एक अच्छी बात ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर कामगारों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। इसका प्रभाव ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की तादाद बढ़ी है, खासकर उन इलाकों में जहां पर गरीबी है।
अब सवाल ये है कि इन मजदूरों का घर आखिर कैसे चलेगा, जिन्होंने रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़ा था उन्हें अब उसी गांव में इस बेरोजगारी के दौर में क्या रोजगार मिल पाएगा। हकीकत में आज ग्रामीण भारत में कोई रोजगार मिलने की अगर संभावना है तो वो मनरेगा के तहत ही है। वैसे भी सरकार मनरेगा के मजदूरों के लिए पैसा आवंटित करती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब साल 2020-21 के लिए भारत सरकार ने मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया तो वो किसी दान या मुफ्त वितरण के लिए आवंटन नहीं था। इस राशि से 5 करोड़ परिवार मेहनत करके भारत को ठोस विकास अवस्था में ले जाते हैं, इससे उत्पादन बढ़ता है और भारत की खाद्य सुरक्षा और गरीबी में कमी आती है और महंगाई दर नियंत्रण में रहती है। इसी राशि से एक साल में मजदूर वनीकरण के 40,000 काम करते हैं। इन कामों से लगभग 40 से 50 करोड़ पेड़ लगाए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं। इससे विकास के नाम पर छील दी गई धरती को वस्त्र मिलते हैं। इससे मानसून व्यवस्थित होता है और पृथ्वी का तापमान भी थोड़ा नियंत्रण में आता है। ये पेड़ यात्रियों को छांव भी देते हैं और पंछियों को आशियाना भी देते हैं। ये काम करते हैं मनरेगा के मजदूर। इतना ही नहीं, वो छोटे छोटे तालाब बनाते हैं, खेतों की मेड़े बनाते हैं। जिन गांव में पानी का संकट है वहां पुराने कुएं और बावड़ियां साफ करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। इससे धरती के पेट में पानी जाता है। भारत ने पिछले 30 सालों में पानी के 40 लाख स्रोतों को खत्म किया है, तालाब सुखाकर उन पर इमारत बना ली है, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, उन पर सरपट महंगी गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन हमें ये आभास नहीं है कि गाड़ियां सड़कों पर नहीं खेतों जंगलों और तालाबों की कब्र पर दौड़ती हैं, क्योंकि ये एहसास खत्म हो गया है। इसलिए भारत के अमीरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ऐसा महसूस होता है कि सरकार उनसे टैक्स लेकर इन मजदूरों को मुफ्त में लुटा दे रही है, लेकिन सच तो ये है कि ये मजदूर अमीरों और मध्यम वर्गीय समाज के अपराधों से खड़े हो रहे संकट को दूर धकेलने का काम करती है। मनरेगा में इस साल 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आने से ये कार्यक्रम कुछ रफ्तार से चलने लगा है। घरों में चूल्हे जलने लगे हैं, भूख का डर कम हुआ है। मनरेगा ठीक से चलेगा तो कोई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन 100 दिन की इस योजना को बढ़ाना पड़ेगा। मनरेगा को ठीक से चलने के लिए सबसे पहले अपने मूल हकों को ठीक से स्थापित करना पड़ेगा। ये हक इन 3 नारों के रूप में रचे गए हैं और वो सबको बखूबी समझ में भी आते हैं। हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले और समय पर भुगतान मिले। लेकिन फिर भी कुछ नियम आज के समय के हिसाब से जरूर बदले जाने चाहिए। सबसे पहले रोजगार के अधिकार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन होनी चाहिए, ताकि निम्न आय वर्ग के 7 करोड़ परिवारों के सामने अति गरीब हो जाने की स्थिति पैदा ना हो जाए। इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च केवल मजदूरी पर किया जाना होगा। इसके अलावा जरूरी है कि मजदूरी को कम से कम 300 रुपए किया जाना चाहिए। इससे 7 करोड़ सक्रिय मनरेगा परिवारों को 150 दिन के काम के एवज में साल भर में 45,000 रुपए मिलेंगे और मजदूरों को सीधे 3 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे स्थानीय बाजार में नगद का प्रभाव भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकार सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाते हुए भी तो यही तर्क देती है कि इससे बाजार में पैसा आता है, तो फिर ये देश के गरीब मजदूरों के लिए क्यों ना हो। इस सीजन में काम ढूंढने वालों की संख्या में बेतहाशा तेजी देखी गई है। इसे एक अच्छे मौके के रूप में देखा जा सकता है। इस स्कीम में शहरी क्षेत्रों और उनकी जरूरतों को शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा कुशल कारीगरों के लिए भी अलग काम की व्यवस्था होनी चाहिए। अब समय आ चुका है जब इस योजना के पार्ट 2 को लाया जाए, यानी इसके द्वितीय संस्करण को लाया जाए। जैसे किसी हिट फिल्म का सीक्वल बनाया जाता है, ऐसे ही इस स्कीम का भी अब दूसरा पार्ट कुछ अच्छे और जरूरी बदलावों के साथ लॉन्च किया जाए।